हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो हरी इलायची, एक मसाला इलायची, तीन लौंग। सात आठ लहसुन की कलियां, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच छोले मसाला, एक चम्मच सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच बेसन, एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चुटकी बेकिंग सोडा, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, एक मध्यम साइज का टमाटर, दो प्याज। मैंने एक कप काबुली चना लिया था, उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया। उसके बाद ये ऐसे फूले है, और एक छिला हुआ आलू भी लिया है। सबसे पहले हम प्याज को बड़ी साइज में काट लेते हैं। अब हम टमाटर को भी बड़े साइज में काट लेते हैं। अब हम हरी मिर्च को भी 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। अब हम एक मिक्सर का बर्तन लेकर इसमें कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और लहसुन डालकर उसकी पेस्ट बना लेते हैं। हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए, हमारी पेस्ट कितनी अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब हम गैस पर प्रेशर कुकर रखकर गैस का फ्लेम मीडियम पर करते हैं। हमारा कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये सब खड़े मसाले लेकर प्रेशर कुकर में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन प्याज की पेस्ट बनाई थी, ये डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक डालने से हमारा मसाला जल्दी पक जाएगा और
उसका कच्चापन जल्दी दूर हो जाएगा। हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इससे तेल नहीं छूटता। हमारा मसाला पक रहा है, तब तक हम दूसरे साइड पे एक बाउल में सब सूखे मसाले निकाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम धनिया पाउडर लेते हैं, जीरा पाउडर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर लेते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेते हैं, सौंफ लेते हैं, आमचूर पाउडर लेते हैं, छोले मसाले लेते हैं और बेसन भी लेते हैं। अब हम सब मसाले को एक साथ मिला लेते हैं ताकि हम इसको जब प्रेशर कुकर में डालेंगे तब जले नहीं। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1 मिनट तक मसाला भूनने के बाद हम इसमें काबुली चना डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे से जले ना। अब हम इसमें कटा हुआ आलू डाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिलाकर हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल लेते हैं। हमारी सब्जी उबल रही है, तब तक हम एक गैस पर पैन रखकर उसमें 1/2 ग्लास पानी डाल लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। हम इसे 2 मिनट तक उबालेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे चाय पत्ती और पानी बीच में कहाँ से आ गया। ये एक सीक्रेट है। हम इस चाय पत्ती के पानी को सब्जी में डालेंगे, इससे हमारे सब्जी को बहुत अच्छा रंग आएगा और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारा चाय का पानी तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में छान लेंगे।
हमारे सब्जी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिलाकर इसमें चाय का पानी भी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी हाथ से चूर कर डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 सीटियां होने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 4 सीटी होने के बाद मैंने गैस को बंद कर कुकर को ठंडा किया और अब मैं खोल रही हूँ। हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये पके हैं या नहीं पके हैं। हमारे छोले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं।